स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। झारखंड के कुमार दुबी कोलियरी में कार्यरत कर्मी ने सी टाइप क्वार्टर का ताला तोड़ा, जबरन किया प्रवेश कार्यवाही की मांग। ईसीएल मुकमा क्षेत्र के कुमार दुबे कोलियरी स्थित आवासीय परिसर में अवैधानिक रूप से सी टाइप क्वार्टर का ताला तोड़ जबरन क्वार्टर में प्रवेश करने पर एक कोल कर्मी के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा के द्वारा शिकायत की गई है, जिसमें अभिकर्ता एम कुमार ने अनुसंधान कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार मंगलम कुमार नामक श्रमिक के द्वारा सी टाइप क्वार्टर जो अधिकारियों को आवंटित की जाती है उस क्वार्टर का ताला तोड़कर जबरन क्वार्टर में प्रवेश करा गया है। वह भी कंपनी के नियमावली के विरुद्ध। इसको लेकर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल शिकायत लेकर अभिकर्ता एम कुमार ने शिकायत पत्र लिया और उचित कार्यवाही की बात कही। वहीं क्वार्टर के अधिकृत पदाधिकारी बरमूरी के अभियंता प्रहलाद कुमार भारती के नाम पर आवंटित हो गया था, उनके द्वारा भी मंगलम कुमार के विरुद्ध लिखित शिकायत विभाग को की गई है। इस पूरे प्रकरण में मंगलम कुमार ने बताया। निरसा से मजीद खान की रिपोर्ट। कुमार डुबी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ मैं। साल 2015 के 2 नवम्बर को मेरा ज्वाइनिंग है, तब से लेकर के आज तक मैं क्वार्टर अलॉटमेंट के लेकर के कई बार लिखित दिया, मगर अभी तक यहाँ एक का इतना बोलबाला है कि मैनेजमेंट उसका छोड़ किसी का नहीं सुनता है। 2017 में मुझे एलडी झा का क्वार्टर अलॉटमेंट किया गया। 2017 में अलॉटमेंट जिस समय हुआ वो अभी तक वो क्वार्टर मेरे हैंड ओवरटेक ओवर नहीं हुआ। 2021 में दिसंबर महीना में मेरे नाम से फिर एक क्वार्टर अलॉटमेंट किया गया, वो भी दबंग कुछ बाहरी लोग दबंगता के कारण वो भी क्वार्टर को कैप्चर करके रखा, वो भी मुझे हैंड ओवर नहीं किया गया। उसके बाद मैं एरिया पर्सनल मैनेजर द्वारा पूछा गया, मैं जब दरखास्त दिया तो उन्होंने एक कमेंट किया कि क्या ये प्रोडक्शन और सेफ्टी के मद्देनज़र इसको क्या क्वार्टर दिया जा सकता है, जिसका पेपर मेरे पास है। यहाँ का पर्सनल मैनेजर ने लिखा कि हाँ ये बैक साइड में ये आपातकाल इमरजेंसी सेवा में सुपरवाइजर न रहते हुए सुपरवाइजर का काम करता है, ये 2 शिफ्ट रेगुलर देखता है, तो हम कहाँ जाएं, हमारा भी फैमिली है, हमारा भी बच्चा है, हमारी एक बूढ़ी माँ है, आए तो हम कहाँ जाएं। ठीक है, ये बड़ी तकलीफ से हम बिना फैमिली के यहाँ रह रहे थे, उसके बावजूद इतना दिन से कहते कहते नहीं सुना, मुझे जो उचित लगा मैंने किया। कल कुमार डुबी कोलोरी में मंगलम कुमार सिंह जो है सी टाइप क्वार्टर एक ऑफिसर के नाम पर अलॉटमेंट था विजय भारती के प्रहलाद भारती के नाम पर, उसको तोड़ के घुस गया है। उसका कंप्लेन उन्होंने भी दिया है और साथ साथ में यूनिट का जीसीसी में दिया गया है। लेकिन सबसे दुख का बात यह है कि इसमें अभिकर्ता महोदय का ही पूरा हाथ है। अभिकर्ता महोदय ने ही पिछले इनको एक सूचना दिया गया था कि सर वो 5 कब्जा में करके क्वार्टर भाड़ा पे नदी धौड़ा में लगाया गया है, उसके बाद उसको एक एनएचएस क्वार्टर भी अलॉटमेंट है, उसके बावजूद भी एजेंट साहब ने एक बी टाइप क्वार्टर 15 दिन पहले मैंने 20 दिन पहले एक अलॉटमेंट कर दिया जो उसका एडवाइजर नहीं था, उसका टाइटल नहीं था। उसके बाद फिर वो आदमी को वो पसंद नहीं आया क्वार्टर, उसके बाद उसने अभिकर्ता महोदय से मिल के एक नोटशीट बनाया क्वार्टर सी टाइप अलॉटमेंट कराने के लिए, तो सी टाइप जब हेडक्वार्टर गया तो एरिया मुगमा एरिया गया तो उसके अप्रूवल नहीं मिला। तो प्रबंधक अभिकर्ता महोदय ने कल बैठ के 2.5 घंटा बैठ के विचार करके पूरा प्लानिंग के तहत ताला को तोड़ा गया है, और ताला को तोड़ने से पूरा कुमार डुबी के मजदूरों में आक्रोश है और ये डिसिप्लिन खराब हो रहा है। तो हम लोग का मांग है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और एक्शन प्रबंधक नहीं लेता है तो हम लोग हो सके तो कुमार डुबी का उत्पादन भी बंद करेंगे। तो है प्रबंधक अपने स्वार्थ और जातिगत भावना से कर रही है।